की पसंदीदा आवाज और दोस्तों यशराज चोपड़ा जी की पसंदीदा आवाज और पूरे भारतवर्ष हिंदुस्तान और कायनात के दिलों की आवाज पद्मभूषण उदित नारायण जी। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। हुजूर हुजूर हुजूर, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों आया है, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग में था और इनसे कहा था, गुजारिश किया था मैंने इनसे कि मैं आऊँगा, थोड़ा लेट हो जाऊँगा। जस्ट ख़त्म किया और वहाँ से सीधा कृष्णा ऑडियो से यहाँ आया हूँ, ओरेगोन में था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और क्या बात है, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स 2024, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने अवार्ड दिया है, साथ में मुझे भी आज ये अवार्ड मिला है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे वैभव शर्मा जी हैं, ये भी एक चमत्कारी आदमी है। महीने में 5 तो इनका शो रहता ही है। मैं बोलता हूं, यार क्या है एनर्जी है आपके अंदर, तो बोले नहीं आप 45 साल से लगे हुए हैं तो मैं भी 20 साल से लगे हैं। जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय लता जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत रत्न, इनको कहते थे जुबान का बादशाह, मैंने सुना। कादर खान साहब, वेटरन एक्टर, और आदरणीय अपना जगजीत सिंह जी, क्या तारीफ करते थे इनके, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, तारीफ़ के काबिल हैं आप। तो बस जोरदार ताली और हो जाए इनके लिए। और मैं बस मोर देन 45 ईयर्स आई हैव बीन इंटरटेनिंग यू ऑल। आप सब लोगों को 45 साल हो गए अपनी आवाज से, गाने से आप लोगों की सेवाएं करता आ रहा हूं। थैंक्स टू बॉलीवुड एंड थैंक्स टू माय ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स अलमाइटी गॉड, माता पिता का आशीर्वाद। और आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं मेरे गानों को, मेरे मुझे, जिसके वजह से आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उदित जी। और मैं हमारी जो अवार्ड टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अमन पंत जी का अवार्ड लेकर आए। चलिए दो लाइन सब, मैं थका हूं क्योंकि गाना गा के आ रहा हूं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, क्या बात है सर, मैं यहां हूं मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, रब जाने कब गुजरा अमृतसर हो कब जाने लाहौर आया, मैं इतने दिल छोड़ आया। हमारे अनिल शर्मा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जिनकी वजह से गदर 2, गदर एक फिल्म कथा और गदर 2 ब्लॉकबस्टर हुई और उन्होंने तब से लेकर आज तक बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। अनिल जी ऐसे ही प्यार रखिएगा, आप अपने नए फिल्म में एक भी गाना नहीं गवाए, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे सर कैसे हैं, क्या बात, थैंक यू सो मच।